हेलो बच्चों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th कक्षा 12 का विषय पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान। और आपके जो राजनीति विज्ञान की जो प्रथम बुक है या पहली बुक है जिसका नाम है राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं, उसकी इकाई एक की प्रमुख अवधारणाएं का अध्याय दो जिसका नाम है शक्ति सत्ता और वैधता। बच्चों इस पाठ के यानी कि शक्ति सत्ता और वैधता पाठ के कुछ टॉपिक्स हम पार्ट वन में पढ़ चुके हैं और इसके कुछ जो टॉपिक्स बच गए हैं उसे हम पार्ट टू में पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ। शक्ति की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पावर। शक्ति की परंपरागत संकल्पना ऐसी क्षमता के रूप में की जाती है, यानी कि जो शक्ति जो पावर है उसकी परंपरागत संकल्पना ऐसी कैपेसिटी क्षमता के रूप में की जाती है जिससे एक पक्ष दूसरे पक्ष पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सके, यानी कि एक पक्ष दूसरे पक्ष पर अपना स्थापित या अपना स्वामित्व स्थापित कर सके या नियंत्रण बना सके। ऐसे में क्या समाज में ऐसे समूह की पहचान कर सकते हैं जो नियमित रूप से किन्हीं अन्य पर शक्ति का प्रयोग करते हो। इस बारे में मुख्यतः चार सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। पहला है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत जो कि मार्क्सवाद की देन है, जिसकी मूल मान्यता है कि आर्थिक आधार पर समाज दो विरोधी वर्ग में बटा होता है, आर्थिक रूप से ताकतवर बुजुर्गवा वर्ग तथा आर्थिक रूप से दुर्बल सर्वहारा वर्ग, यानी कि अमीर लोग और गरीब लोग। यानी कि अमीर कौन, जिसके पास धन है या पैसा है, और गरीब जो कि अपना पेट पालन कर रहे हैं और मेहनत करके अपना पेट या दो वक्त की रोटी ही कमा पा रहे हैं। तो समाज दो विरोधी वर्गों में बटा हुआ है, वो दो विरोधी वर्ग कौन कौन से हैं? आर्थिक रूप से ताकतवर और दुर्बल सर्वहारा वर्ग। अतः इनका मानना है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्सवाद के अनुसार प्रत्येक वर्गीय समाज मूलतः शक्ति संरचना होता है जिसमें प्रभु वर्ग राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, नैतिकता एवं संस्कृति के हर स्तर पर ऐसा वर्चस्व या ऐसा दबदबा कायम रहता है जिसे पराधीन वर्ग अपनी स्वाभाविक नियति के रूप में आत्मसात कर लेते हैं। अब आता है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। तो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अनुसार भी समाज के शक्ति के आधार पर दो वर्ग है, यानी कि जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ है, समाज शक्ति के आधार पर दो वर्गों में बटा हुआ है। पहला कौन सा है, सामान्य वर्ग जिसके ऊपर शक्ति प्रयुक्त होती है में बटा होता है, लेकिन और जो विशिष्ट वर्ग है वो कौन सा होता है, शक्तिशाली, जो कि सामान्य वर्ग जिसके ऊपर प्रयुक्त होता है या बटा होता है। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार यह वर्ग विभाजन केवल आर्थिक आधार पर नहीं होकर इसके अनेक आधार जैसे कुशलता, आनुवांशिकता, संगठन क्षमता यानी कि कैपेसिटी, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी, प्रबंध क्षमता, नेतृत्व क्षमता आदि होते हैं। इन योग्यताओं के आधार पर प्रत्येक देश और प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था में समाज का छोटा वर्ग उभर कर आता है जो शक्तिशाली होता है। सामान्य जन पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, जैसे देश के राजनेता, प्रशासक यानी कि शासन करने वाले जो होते हैं वो उद्योगपति, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर आदि मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं जो हमेशा शक्तिशाली बने रहते हैं भले ही औपचारिक रूप से किसी भी दल की सरकार हो। नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत का मानना है कि समाज में शक्ति के विभाजन का आधार लैंगिक है, यानी कि लिंग के आधार पर समाज में भेद है या उसका विभाजन किया गया, उसे बांटा गया है। समाज की सारी शक्ति पुरुष वर्ग के पास है जो महिलाओं के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, और सिद्धांत के अनुसार क्या है कि सारी जो शक्ति है ना वो किसके पास है, पुरुष वर्ग के पास है, यानी मर्द जात के पास है, और औरतों के ऊपर वह इसका उपयोग या प्रयोग करते हैं। अतः इस आधार पर यूरोप में नारी मुक्ति के आंदोलन प्रारंभ हुए, और इस आधार पर क्या हुए, नारी मुक्ति के आंदोलन प्रारंभ हुए, यानी कि क्या है कि मर्द जात को या पुरुष जात को सारी शक्तियाँ प्राप्त है, वह अपनी शक्ति का प्रयोग किन के ऊपर करते हैं, औरतों के ऊपर करते हैं, महिलाओं के ऊपर करते हैं। तो इनसे बाहर निकलने के लिए, मतलब इस प्रकार के प्रभाव से या बाहर निकलने के लिए यूरोप में क्या चला, नारी मुक्ति के आंदोलन प्राप्त हुए जो पुरुषों के पितृसत्तात्मक प्रभुत्व का अंत करना चाहते हैं, और जो क्या करना चाहते हैं, जो पुरुष वर्ग है उनके पितृसत्तात्मक प्रभुत्व को या उनके स्वामित्व का अंत करना चाहते हैं। बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत क्या होता है, शक्ति विभाजन का चौथा सिद्धांत कौन सा है, बहुलवादी सिद्धांत है, जो उपयुक्त तीनों से भिन्न है।
वर्ग प्रभुत्व विशिष्ट वर्गवाद एवं नारीवाद यह दावा करते हैं कि शक्ति का प्रयोग समाज को दो वर्गों शक्तिशाली तथा शक्तिहीन में बांटता है। तो हमने क्या देखा था बच्चों, पिछले सिद्धांतों में नारीवाद का सिद्धांत, विशिष्ट वर्गवाद का सिद्धांत, वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत में हमने क्या देखा कि ये सिद्धांत क्या करते हैं, समाज को दो वर्गों में बांटते हैं, एक शक्तिशाली वर्ग और एक होता है शक्तिहीन वर्ग। तो परंतु बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार समाज में सारी शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर अनेक समूह में बटी होती है, लेकिन वो बहुलवादी का जो सिद्धांत है वो क्या करता है, शक्ति को किसी एक वर्ग में नहीं बांटकर अनेक समूहों में बांटता है या बटी होती है। उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन समूहों के बीच सतत सौदेबाजी चलती रहती है, अतः शक्ति के आधार पर समाज में शोषणकारी व्यवस्था नहीं होती है। यह भारतीय अवधारणा है जो शोषण अथवा वर्ग संघर्ष पर आधारित नहीं होकर उत्तरदायित्व आधारित है, जिसकी मान्यता है कि शक्तिशाली होने का अर्थ सार्वजनिक हित के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना है, यानी कि समाज के लिए, समाज के लोगों की भलाई के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना है। इसमें शक्तिहीन को शक्ति संपन्न बनाकर समस्त समाज की स्थापना पर जोर दिया है। और इसमें क्या होता है, जो शक्तिहीन है या जो गरीब है, जो शक्तिहीन व्यक्ति है, उसको शक्ति संपन्न बनाकर समरस समाज की स्थापना पर जोर दिया जाता है, यानी कि एक प्रकार के समाज या बिना भेदभाव के समाज को बनाने में जोर दिया जाता है या उसकी स्थापना पर जोर दिया जाता है। सत्ता अथॉरिटी, अथॉरिटी क्या होती है, जहाँ प्राचीन और मध्यकालीन राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में शक्ति महत्वपूर्ण अवधारणा थी, वहीं आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की अवधारणा कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या होता है कि प्राचीन समय में जिस प्रकार शक्ति महत्वपूर्ण थी, शक्ति की महत्वपूर्ण अवधारणा थी, उसी प्रकार आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, यानी कि आजकल की पॉलिटिक्स में क्या हुआ है, अथॉरिटी यानी कि सत्ता की अवधारणा कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। शक्ति प्रत्येक जगह सही नहीं हो सकती, क्या है, शक्ति कई जगह सही नहीं हो सकती। मान लो अगर जैसे पुलिस वाले हैं तो पुलिस वाले क्रिमिनल्स के साथ मारपीट भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पावर है। उसी प्रकार क्या होता है बच्चों, क्लास में भी टीचर के पास क्या होती है, पावर होती है, वो आपको क्लास से बाहर भी निकाल सकती है, लेकिन वो उनके अलग अलग प्रयोग हो गए कि क्रिमिनल्स के साथ पुलिस किस प्रकार का व्यवहार कर सकती है, लेकिन एक टीचर क्या कर सकता है, आपको बाहर निकाल सकता है, पनिश कर सकता है, लेकिन आपके साथ उस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता। तो कई कई जगह क्या होता है, शक्ति प्रभावी नहीं होती है। अनेक बार हम शक्ति के भय के कारण मजबूरी में उसे स्वीकार कर लेते हैं, और कई बार क्या होता है कि किसी के डर के कारण भी हम उसकी बातों को स्वीकार कर लेते हैं या उसकी शक्ति के प्रभाव भय के कारण मजबूरी में उसे स्वीकार करते हैं। सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है जिसके कारण उसे सही मानकर स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। और सत्ता अथॉरिटी क्या है, किसी व्यक्ति यानी कि किसी पर्सन, संस्था, नियम यानी कि रूल्स, आदेश, ऑर्डर का ऐसा गुण है जिसके कारण उसे सही मानकर स्वेच्छा से उसके नियमों का पालन किया जाता है, यानी कि उसके रूल्स को माना जाता है अपनी इच्छा से। जब हम किसी बलशाली के आदेश की पालना करते हैं तब उसकी आज्ञा का पालन का आधार शक्ति होता है, यानी कि जब हम किसी व्यक्ति की यानी किसी ताकतवर या शक्तिशाली व्यक्ति की बात को मानते हैं तो उसकी बात को मानने का आधार क्या होता है, क्योंकि उसके पास पावर है, शक्ति है, तो शक्ति के भय के कारण हम उसकी बातों को मानते हैं। जबकि हम चौराहे पर यातायात पुलिस के सिपाही के इशारे पर रुकते हैं तब वह सत्ता का प्रतीक होता है, और जब कोई पुलिस वाला होता है, जैसे कि कोई ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, वो हमें इशारा करते तो हम वहाँ पर रुक जाते हैं, तो वो क्या है, वो सत्ता का प्रतीक है, क्योंकि वो हमें हो सकता है किसी काम की वजह से रोक रहा है, या हम किसी हमें हमारे अंदर कोई गलती हो या हम किसी गलत तरीके से ड्राइव कर रहे हैं तो इस वजह से वो हमें रोकता है, तो वो काय का प्रतीक है, अथॉरिटी यानी कि सत्ता का प्रतीक है। इस तरह शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ती है तब वह सत्ता कहलाती है, और जब सत्ता के साथ वैधता यानी कि जब उसके शब्द कानूनी रूप से उचित होती है या वैधता जुड़ती है तो वह सत्ता कहलाती है, यानी कि शक्ति के साथ क्या जुड़ना जरूरी है, कानूनी नियम या कानूनी रूप से वह सही हो तब वह सत्ता हो जाती है, यानी कि तब शक्ति सत्ता बन जाती है। दूसरे शब्दों में वैध शक्ति ही सत्ता है, यानी कि कानूनी रूप से सही शक्ति ही क्या है, सत्ता है, यानी कि अथॉरिटी है। बाय सर्टेड ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, यानी कि जो सत्ता है, जो पावर है, वो
वो सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। हेनरी फोल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। और हेनरी फोल ने क्या कहा है, हेनरी फोल क्या है, एक विद्वान है, उन्होंने क्या कहा है कि सत्ता अथॉरिटी क्या है, सत्ता आदेश देने का अधिकार, यानी कि आदेश ऑर्डर देने का अधिकार तो है, पर इसको आदेश जो अपने उसने ऑर्डर दिया उसको पालन करवाने की भी पावर या शक्ति है। सत्ता पालन के आधार, बेसिस ऑफ फॉलोइंग द अथॉरिटी। तो सत्ता पालन के आधार क्या क्या हैं? सत्ता के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि व्यक्ति सत्ता का पालन क्यों करते हैं। प्रमुख रूप से सत्ता पालन के निम्न आधार है। तो पहला आधार क्या है, विश्वास। तो सत्ता पालन के लिए हम क्या होना चाहिए, सबसे पहला जो प्रमुख कारक है वो क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। सत्ता पालन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है अधीनस्थों का सत्ताधारी के प्रति विश्वास होना चाहिए, यानी कि जो सत्ताधारी है, जो उनका हेड है, उसके प्रति सबका विश्वास, अधीनस्थों का क्या होना चाहिए, जो उसके अंडर काम कर रहे हैं उनका उस पर विश्वास होना चाहिए। यह विश्वास जितना गहरा होगा सत्ताधारी के आदेशों की पालना उतनी ही सरलता से होगी, यानी कि जब उसके अधीनस्थों का सत्ताधारी पे पूरा विश्वास होगा तो उसके क्या होगा, उसके आदेशों का, उसके ऑर्डर्स का उतनी ही सरलता या अच्छे प्रकार से पालन होगा। इसके लिए उसे शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होगी। और उसके लिए उसके क्या होगा, अगर उसकी मतलब उसके ऊपर विश्वास है उसका अच्छे तरीके से, तो उसके आदेशों का वैसे ही अच्छे तरीके से पालन हो जाएगा और उसे अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। एकरूपता, विचारों और आदर्शों की एकरूपता भी सत्ता का महत्वपूर्ण आधार होता है। यानी विचार और आदर्श, यानी सभी के विचार और आदर्श जो उनमें थोड़ी समानता रहती है तो सत्ता का महत्वपूर्ण आधार होता है। तो वो क्या है, ये सत्ता का एक महत्वपूर्ण आधार है कि एकरूपता होनी चाहिए, यानी कि विचार और आदर्श में समानता होनी चाहिए। वैचारिक एकरूपता स्वतः ही आज्ञा पालन की स्थिति को पैदा करती है। इसी कारण राज व्यवस्थाएं उदारवाद, समाजवाद आदि विचारधाराओं का सहारा लेती है। लोकहित, लोक कल्याण भी सत्ता का महत्वपूर्ण आधार है। हम राज्य के अधिकांश कानूनों की पालना केवल दंड शक्ति के दबाव में नहीं करते, अपितु इसलिए भी करते हैं कि वे लोकहित को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि कर जमा करवाना, यातायात नियमों की पालना करना आदि। तो लोकहित का मतलब क्या है बच्चों, जैसे कि है ना कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है तो हम उसकी डर की वजह से ही ऐसा नहीं करते, सत्ता के नियमों का पालन नहीं करते, इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम समाज में रहते हैं, उसके नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य। जैसे कि हम कर जमा करवाते हैं, टैक्स जमा करवाते हैं, या फिर यातायात यानी कि रोड पे जो बत्ती वगैरह होती है उन नियमों का भी हम पालन करते हैं, तो हम लोकहित के लिए भी ऐसा करते हैं। यह लोकहित के कल्याण के लिए भी सत्ता महत्वपूर्ण आधार है। दबाव, अनेक बार दबाव एवं शक्ति का भी सत्ता पालन के लिए प्रयोग किया जाता है। और अनेक बार क्या होता है, दबाव एवं शक्ति का भी सत्ता पालन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि अपना डर बनाने के लिए भी सत्ता का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक व्यवस्था में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर सत्ता के अन्य आधारों का कम प्रभाव पड़ता है और जो दमन एवं दबाव की भाषा समझते हैं। इसका अर्थ यह है कि बच्चों कई बार कुछ लोग है ना जैसे सत्ता में रखे है ना, मतलब उनके पास जो सत्ता आ जाती है तो वे गलत काम करते हैं, तो उनके ऊपर शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, वो उनके लिए क्या करना पड़ता है, उनके लिए कुछ अपनी शक्ति का पालन करना पड़ता है और उन पर एक तरीके से मतलब थोड़ा सा उसके प्रति मतलब मजबूत रहना होता है, या उनको उनके प्रति उनका उन पर इसका दबाव बनाना पड़ता है। तो जो लोग मतलब सत्ता के अन्य आधारों का उन पर कम प्रभाव पड़ता है उनके लिए दमन एवं दबाव की भाषा अपनानी पड़ती है। सत्ता के रूप, काइंड्स ऑफ अथॉरिटी। प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने सत्ता के निम्न तीन रूप बताए हैं। परंपरागत सत्ता, इस सत्ता का आधार परंपराएं एवं इतिहास होता है। सत्ता कितने रूप की बताई है बच्चों, तीन प्रकार की बताई है। तो पहली सत्ता है परंपरागत सत्ता, तो इसमें सत्ता का आधार कौन सा होता है, परंपरागत इतिहास होते हैं, यानी कि जो परंपरा चलती आ रही है और जो हिस्ट्री है वही इसका आधार होता है। इसमें यह माना जाता है कि जो व्यक्ति या वंश परंपरा के अनुसार सत्ता का प्रयोग कर रहा है सत्ता उसी के पास बनी रहनी चाहिए। इसी सत्ता में तर्क एवं बुद्धि संगतता का अभाव रहता है। घर में वृद्धजनों की सत्ता परंपरागत सत्ता का उदाहरण है। कई बार क्या होता है बच्चों, सत्ता तीन प्रकार की होती है, तो परंपरागत सत्ता है, तो परंपरागत सत्ता में क्या होता है कि जो वंशों से चली आ रही है, यानी कि हमारी जो वंशानुगत जो प्रवृत्ति है ना उसी को चलने देना, यानी कि जिस प्रकार मान लो कोई अगर कोई परिवार है तो सबसे गांव में सबसे शक्तिशाली
वाली परिवार है तो उसी के लोग सरपंच बनते हैं, तो कैसे चलेगी? पहले उसके दादा बने, फिर उसके पिता, फिर वह उसका बेटा, फिर उसका पोता, तो ये वंशानुगत चलता रहता है। उसमें क्या होता है, बुद्धि संगतता का अभाव रहता है, यानी कि अगर कोई कमजोर व्यक्ति है या सरपंच बनने के लायक भी नहीं है ना, तो कि वहां पर वंशानुगत प्रणाली चलती आ रही है तो फिर भी उसको बना दिया जाता है, तो वो क्या होती है, परंपरागत सत्ता होती है। अब आती है करिश्माई सत्ता। यह सत्ता किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों और चमत्कार पर आधारित होती है, यानी कि व्यक्ति के गुणों के अनुसार वह अपनी वह सत्ता में आता है, या उसे सत्ता या अथॉरिटी प्राप्त होती है अपने गुणों के अनुसार। इसमें जनता उस व्यक्ति के इच्छा पर बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाती है जिसमें सत्ता का आधार भावनाएं होती है, जैसे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी आदि करिश्माई सत्ता के उदाहरण है। इसमें क्या होता है बच्चों, किसी व्यक्ति में, यानी कि गांधी जी थे, वो इतने ना शक्तिशाली थे, ना इतने पावरफुल थे, ना उनके पास कोई इतना पैसा था, फिर भी क्या हुआ, लोगों पर उनका प्रभाव था, या लोग उनके छोटे से इशारे पर जान लेने या देने तक को वो उतारू हो जाते थे, तो वो क्या थी, करिश्माई सत्ता। परंपरागत सत्ता क्या होती है, जिसमें मतलब वंशानुगत सत्ता जिनके हाथ में चली जाती रही हो, या मतलब पिता के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, तो इस तरीके की सत्ता की मतलब शासन की प्रणालियाँ चल रही है, तो वो क्या होती है, परंपरागत सत्ता होती है। और करिश्माई सत्ता यानी कि किसी व्यक्ति में गुण है और गुण के अनुसार वह उसके पास सत्ता है, और लोग जिसके एक इशारे पर बड़े बड़े त्याग करने को तैयार हो जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, सत्ता का भावनाएँ होती है, जैसे कि महात्मा गांधी और इत्यादि। कानूनी और तर्कसंगत सत्ता, इसका आधार पद होता है, व्यक्तित्व नहीं है इसका। कानूनी तर्कसंगत सत्ता इसका आधार क्या होता है, पद होता है, व्यक्तित्व नहीं होता, यानी कि इसमें व्यक्तित्व को ध्यान में नहीं रखा जाता, पद को ध्यान में रखा जाता है। व्यक्ति जैसे कैसा भी हो, काला, गोरा, छोटा या मोटा, किसी भी प्रकार का व्यक्तित्व हो, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। किस पर ध्यान दिया जाएगा, पद पर, उसके पद को महत्वपूर्ण माना जाएगा। उस पद में कानूनन जो सत्ता निहित है, उस पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस सत्ता का प्रयोग करता है, यानी कि उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति उस सत्ता का प्रयोग करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री होते हैं, उनके उन इंसानों की कोई वैल्यू नहीं, उस कुर्सी की वैल्यू है, यानी कि वो जिस पद पर है उसकी वैल्यू है। जैसे कि शिक्षक की सत्ता, कलेक्टर की सत्ता, प्रधानमंत्री की सत्ता इत्यादि। यदि कानूनी सत्ता का प्रयोग कर रहा है तो उसका व्यक्तित्व चमत्कारिक हो, तब वह असीमित सत्ता का प्रयोग कर सकता है। जैसे कि प्रधानमंत्री में कानूनन समान सत्ता निहित होती है, लेकिन उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति के गुणों और आधार पर प्रयोग की सीमाएं अलग अलग दिखती है। तो हमने क्या देखा, सत्ता के तीन रूप या प्रकार। तो पहली परंपरागत सत्ता, परंपरागत में क्या होता है, मतलब वंशानुगत प्रणालियाँ चलती रहती है। और करिश्माई सत्ता में किसी व्यक्ति में गुण होते हैं और अपने गुणों के आधार पर सत्ता उसके पास आती है या वह सत्ता का प्रयोग करता है। और कानूनी तर्कसंगत सत्ता यानी कि इसमें व्यक्तित्व महत्वपूर्ण नहीं है, कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें पद महत्वपूर्ण है। वैधता, इस शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के लेजिटमस से हुई है, जिसका अर्थ होता है लॉफुल अर्थात वैधानिक। वैधता सिद्धांत, वैधता अथवा औचित्य पूर्णता का लंबा इतिहास रहा है। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत द्वारा व अरस्तु ने संवैधानिक शासन द्वारा शासक की वैधता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। इससे पूर्व भारतीय दर्शन में भी इसका अप्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। मनु स्मृति कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा या स्वामी को सभी प्रकार के अधिकार कुछ कर्तव्यों के निर्वहन के साथ प्रदान किए गए हैं। यानी कि जो राजा होता था, जब उसको राजा बनाया जाता था तो क्या होता था, उसको मतलब कुछ जिम्मेदारियाँ, कुछ अधिकार भी दिए जाते थे जिसका उनको पालन करना होता था, तथा प्रजा पालन व जनकल्याण को उनके मूल कर्तव्य के रूप में पहचान दी गई। और राजा वगैरह के क्या कि मतलब जनकल्याण, यानी कि उसके जो राज्य में जो प्रजा है उसके कल्याण को उनका मूल कर्तव्य के रूप में उन्हें पहचान दी गई। मध्यकाल में राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत को देवी उत्पत्ति के स्थान पर लोगों की सहमति को राज्य की वैधता का आधार बनाया। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन में जनता की सहभागिता को राज्य की वैधता का प्रमाण माना जाता है। वास्तव में वैधता उस कारण की ओर इशारा करती है जिन कारणों से हम किसी भी सत्ता को स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ उस सहमति से है जो लोगों और राजनीतिक लोगों की ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तब वह व्यवस्था अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकती। मतदान, जनमत, संचार के साधन, राष्ट्रवाद आदि वे साधन हैं जिनके माध्यम से वैधता को प्राप्त किया जाता है। वैधता ग्रीन इस कथन को सिद्ध करती है कि इच्छा न कि बल राज्य का आधार होता है। इस तरह शक्ति, सत्ताएं, वैधता की अवधारणाएं एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध से जुड़ी हुई है, घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। शक्ति के बिना समाज में शांति
व्यवस्था, न्याय और खुशहाली की स्थापना नहीं की जा सकती है, परंतु शक्ति की भूमिका सबसे ज्यादा वहां प्रभावशाली सिद्ध होती है जहां वह केवल बल प्रयोग का साधन नहीं रह जाती बल्कि वैधता के साथ जुड़कर सत्ता का रूप धारण कर लेती है। समाज में व्यवस्था कायम रखने के लिए वैधता और शक्ति के दूसरे के पूरक हैं। यदि हम शक्ति की तुलना नंगी तलवार से करें तो सत्ता म्यान से ढकी हुई तलवार है जो जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकाली जाती है, यानी कि किसी पर बिना कारण व समय कारण 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 के हम अगर अपनी शक्ति का प्रयोग किसी पर करेंगे तो वो व्यर्थ है। जबकि अगर हम एक प्रभावी रूप से या फिर जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ पर शक्ति का प्रयोग करेंगे तो वह प्रभावशाली होगी। ढकी हुई तलवार है जो कि जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकाली जाती है। वास्तव में जब शासक की शक्ति सत्ता का रूप लेती है तब वह उसका अधिकार बन जाती है, और चूंकि सत्ता में वैधता जुड़ी होती है इसलिए नागरिकों के लिए आज्ञा पालन उनका कर्तव्य बन जाता है। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने क्या देखा, शक्ति सत्ता और वैधता के सारे टॉपिक्स। अब बच्चों अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।